दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्ग एक का विज्ञापन जारी हो चुका है, रूल बुक भी जारी हो चुकी है, लेकिन वर्ग दो और वर्ग तीन के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक भर्ती आएगी वर्ग दो और वर्ग तीन की। तो इस संबंध में जो न्यूज़ अभी तक मिली है वो यही है कि अभी तक PEB के पास इसका जो है सूचना नहीं पहुँची है कि इसकी भर्ती यहाँ पर होनी है, वर्ग दो और वर्ग तीन की भर्ती यहाँ पर हो। इस संबंध में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो व्यापम के नियंत्रक हैं उन्होंने बताया है कि अभी हमें नियम नहीं मिले हैं, नियम जैसे ही मिलेंगे हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। और यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, इस संबंध में हम लोग देख लेते हैं वो क्या न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए, संपूर्ण रूप से अगर हम न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ ये है कि जनजातीय कार्य विभाग अलग से करेगा शिक्षकों की भर्ती। ये तो एक अच्छी न्यूज़ है कि प्रदेश के जो आदिवासी बहुल 89 विकास खंड हैं उनमें जो संचालित सरकारी स्कूल हैं उसके लिए जनजाति कार्य विभाग इस बार अलग से शिक्षकों की भर्ती करेगा। इस खबर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो खबर आपके सामने ये अलग से दिख रही है ये है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अगले साल यानी कि इस साल भर्ती नहीं हो पाएगी, ये इसमें कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती नियम PEB भेजने की तैयारी चल रही है। नियम पहुंचने के बाद PEB परीक्षा कार्यक्रम तय कर विज्ञापन जारी करेगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अगले साल तक टलने की आशंका है। दरअसल इन पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने अभी काम ही शुरू नहीं किया है। तो देखिए, अभी विभाग ने काम शुरू नहीं किया है। अगर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आवेदक इंतजार कर रहे हैं कि वर्ग तीन की वैकेंसी आए, वर्ग दो की वैकेंसी आए, चलिए वर्ग दो की वैकेंसी भी जैसे तैसे आ जाती है, लेकिन वर्ग तीन के लिए भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक अच्छी खबर नहीं हम कह सकते कि वर्ग तीन की अगले साल होगी। इस साल जो है वर्ग एक का विज्ञापन जारी हुआ है, दो और तीन का भी अभी जारी होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर विभाग को जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो भी आगे की प्रक्रिया है, नियम है, उनको PEB को भेजना चाहिए और वर्ग दो और तीन का भी विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं वर्ग एक के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पात्र नहीं हैं तो वो वर्ग दो और तीन का इंतजार कर रहे हैं। और ये खबर आपकी एक और आप देख लीजिए जो कि है जनजातीय कार्य विभाग अलग से करेगा शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी खबर है कि 10,000 पद जो है उन पर भर्ती हो सकती है और जनजातीय कार्य विभाग अलग से करेगा ये भर्ती और PEB को इसके नियम वो भेजेगा, PEB के माध्यम से ही होगी ये भर्ती। तो ये भी हम देखेंगे कि जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा कब भर्ती आती है। तो आप लोग में लगे रहिए, 10,000 पदों पर यहां भी भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।